Okay, so in this class we'll be discussing about what interference of light. Actually, what do we mean by interference, and what is actually theory of interference? We'll be dealing with that. Okay, see, what is interference? It is the phenomenon of redistribution of light energy due to the superposition of light waves from two coherent sources. Okay, देखिए बेटा, अगर आप कोई सिंगल सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर करोगे, आप लाइट का, तो आपको पता है ये लाइट को इमिट करता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. से फॉर एग्जांपल आपके पास एक बल्ब है एंड इट इज इमिटिंग द लाइट. सो ये जो लाइट इमिट करेगा ना, इट विल बी इमिटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, है ना. और किसी भी पॉइंट पर अगर आप लाइट की इंटेंसिटी मेजर करोगे, इट विल बी सेम. ओके, इफ यू सी व्हाट इज द लाइट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, पॉइंट ए, व्हाट इज द लाइट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, पॉइंट बी, और व्हाट इज द लाइट इंटेंसिटी एट पॉइंट सी. ठीक है, सिंगल सोर्स है, ये लाइट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो व्हाट एवर इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू इंटेंसिटी एट लाइट सी. ठीक है, सो हर किसी पॉइंट पर इस सिंगल लाइट सोर्स के द्वारा जो लाइट प्रोड्यूस की जाती है, हर किसी जगह पर उसकी इंटेंसिटी सेम है. ठीक है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, राइट. ओके, लेट मी से एन एग्जांपल. जब आप अपने कमरे में बल्ब को ऑन करते हो, तो व्हाट हैपेंस, वो लाइट जो है यूनिफॉर्मली फैल जाती है पूरे कमरे के अंदर. ठीक है, क्या ऐसा होता है किसी जगह पे कम लाइट आती है, किसी जगह पे ज्यादा? नहीं ना, वो पूरी लाइट पूरे कमरे में क्या हो जाती है, बिखर जाती है. ठीक है, फैल जाती है. ठीक है, सो हम कहते हैं कि सिंगल लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, व्हाट विल हैपन इफ यू रिप्लेस द सिंगल सोर्स बाय डबल सोर्स. ओके, हियर आपके पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, एक है एस वन और यहां पर देख लीजिए दूसरा है एस टू. ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट दीज टू सोर्सेज आर कोहरेंट. ओके, व्हाट विल हैपन, दिस सोर्स विल प्रोड्यूस लाइट वेव्स. ओके, दिस सोर्स विल आल्सो प्रोड्यूस लाइट वेव्स. ठीक है, और वो लाइट वेव्स क्या करेंगी, किसी ना किसी जगह पर वो तो मिलेंगी ना. ठीक है, दे विल इंटरफेयर विद ईच अदर, दे विल मिक्स अप विद ईच अदर. ओके, लाइक दिस, राइट, दे विल इंटरफेयर विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे. ठीक है, और जिस जगह पर इंटरफेरेंस होगी, मतलब वहां पर हम कहेंगे सुपरपोजिशन होगी. ठीक है, तो दीज टू लाइट, these waves from two light sources will superimpose on each other. So what will happen? तो अगर आप किसी जगह पर light intensity measure करोगे, ठीक है, वो same नहीं होगी हर जगह पर. Every point, हर किसी जगह पर light intensity क्या होगी, different होगी. ठीक है कि नहीं, तो यहां पर uniform distribution नहीं हो जाएगा. क्या हो जाएगा फिर यहां पे, non-uniform distribution. क्या हो जाएगा, non-uniform distribution. ठीक है कि नहीं, किसी जगह पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और किसी जगह पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी. ठीक है कि नहीं, मतलब फिर से सुनो, अगर सिंगल सोर्स होगा, इट विल प्रोड्यूस लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, यूनिफॉर्म लाइट होगी. ठीक है, लेकिन अगर दो सोर्सेज होंगे जो कोहरेंट है, वो लाइट को प्रोड्यूस करेंगे, लाइट वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे, और उस जगह में, उस स्पेस में वो लाइट वेव्स क्या करेंगी, सुपर इम्पोज होगी. तो किसी जगह पर मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, किसी जगह पर मिनिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, दिस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, व्हाई, ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. देखो यहां पर तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लेकिन जब आपने एक से ज्यादा सोर्सेज लिए, तो उन सोर्सेज ने लाइट वेव्स को इमिट किया, वो लाइट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हो गए, तो ये जो एनर्जी थी ना पूरी जगह में, वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई. ठीक है, किसी जगह पर कम आ गई, किसी जगह पर ज्यादा आ गई. ठीक है कि नहीं, तो इस रिडिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस. ओके, सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सिंपली मीन्स द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. ओके, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. ठीक, अब मुझे बताओ, क्या मैंने दो चीजें मेंशन की, मैंने कहा या तो लाइट की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, या किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम इंटेंसिटी होगी. ठीक है, अब कैन यू टेल मी मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे होगी और मिनिमम इंटेंसिटी कहां पे होगी. ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने ये पॉइंट कंसीडर किया पी, अब बताइए इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कि मिनिमम इंटेंसिटी होगी. यू विल से सर डिपेंड करता है, अगर इस पॉइंट पर वेव्स सुपर इम्पोज हुई है कंस्ट्रक्टिवली, तो यहां पर मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगी,
कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुई है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, और अगर इस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुई है तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी। ठीक है कि नहीं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में? ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के टाइम पे इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम पे इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। नाउ मुझे बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? पाथ डिफरेंसेस पर। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है जब डेल्टा एक्स होता है एन लैम्डा के बराबर, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब डेल्टा एक्स होता है 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा के बराबर। ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक। सो वी हैव टू सी, अगर किसी जगह पर दो लाइट सोर्सेज हैं, दो से ज्यादा लाइट सोर्सेज हैं, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट डिफरेंट पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रही है या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रही है। ठीक है कि नहीं? है ना? सो दैट सॉर्ट ऑफ दैट रिडिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज वॉट, दिस इंटरफेरेंस। ओके, नाउ देयर इज अ सिंपल थियरी ऑफ इंटरफेरेंस, हाउ टू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस कैसे एक्सप्लेन होती है? ठीक है, टेक टू सोर्सेज विच आर कोहरेंट। ठीक है, एक से आप एक लाइट वेव लो, लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय साई वन। ओके, सेकंड वेव लो, लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय साई टू। कोई पॉइंट सिलेक्ट करो, उस पॉइंट पर निकालो पाथ डिफरेंस। इफ इट इज एन लैम्डा देन मैक्सिमम इंटेंसिटी देयर, ओके, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इफ इट इज 2n+1 डिवाइड बाई 2 लैम्डा देन इट इज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड देन मिनिमम इंटेंसिटी देयर। ओके, राइट? ओके, नाउ मूविंग टू बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, देख लीजिए बेटा, इस तरह से मान लीजिए आपके पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, एक यहाँ पे S1 और दूसरा यहाँ पे S2। ओके, लेट अस कंसिडर देम टू बी कोहरेंट। चलो इनको मानते हैं कोहरेंट, और फिर क्या होगा? अगर ये कोहरेंट है तो यहां से भी वेव्स निकलेंगी, ठीक है, और इस पॉइंट से भी क्या निकलेंगी? वेव्स निकलेंगी। ठीक है, चलिए हम इस पॉइंट P को कंसिडर करते हैं। लेट अस सपोज ये वेव पहुंचते यहां पहुंच गई, ठीक है, और ये वाली वेव जो है यहां से यहां, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। और अगर इस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है तो इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। ओके ओके, लेट मी ड्रॉ इट, अच्छे से देखो। ओके, सो इस पॉइंट पी पर आपको चेक करना है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। ठीक है, चलिए इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना, लेट मी से दैट इज साई वन। ओके, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है लेट अस सपोज दैट इज साई टू। ओके, अब बताइए बेटा साई वन किसके बराबर आएगा? इट इज ए साइन ओमेगा टी। साई वन एंड साई टू आर नॉट एम्पलीट्यूड्स, दे आर डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, साई वन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव, साई टू इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड वेव। ठीक है, तो पहली वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ए। ओके, अब सेकंड वेव जो है ना साई टू, उसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं बी। ठीक है, दैट इज बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, व्हाट इज फाइव? फाइव इज द फेज डिफरेंस। ओके, फाइव इज द बिटवीन टू दीज टू वेव्स। ओके, ठीक है, अब ये जो फेज डिफरेंस है, देयर इज अ कंडीशन, अब ये जो फेज डिफरेंस है इधर इट शुड बी कॉन्स्टेंट और इट शुड बी जीरो। ओके, इट शुड बी कॉन्स्टेंट और इट शुड बी जीरो, तभी जाकर क्या होगा यहाँ पर इंटरफेरेंस पॉसिबल है। ठीक है कि नहीं? है ना? जैसे तभी जाकर ये दो सोर्सेस कोहरेंट, अदरवाइज दे आर नॉट कोहरेंट। ओके, अब मुझे बताइए एट पॉइंट पी, देखिए बेटा एट पॉइंट पी सुपर पोजिशन विल ऑकर, है ना? एट पॉइंट पी सुपर पोजिशन विल ऑकर, दस आप क्या कहेंगे? टोटल साई इज इक्वल टू साई वन प्लस साई टू। ठीक है, इन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन इस पॉइंट पी पर होगा, तो टोटल जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज साई वन प्लस साई टू। इट्स नथिंग बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, वी आर अप्लाइंग सुपरपोजिशन। तो साई इज इक्वल टू, व्हाट इज साई वन? इट इज ए साइन ओमेगा टी, एंड इज व्हाट इज साई टू? बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, इज दैट क्लियर? लेट अस राइट साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस नाउ इट इज बी, नाउ इट इज साइन ए प्लस बी। ओके, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट, एंड दैट इज
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके ठीक है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके तो वी कैन राइट साई एज, लेट मी से दिस इज साइन ओमेगा टी एंड दिस वन इज साइन ओमेगा टी. ओके टेकिंग साइन ओमेगा टी एज कॉमन, वॉट विल गेट ए प्लस बी एंड देन कॉस फाइव. ओके ए प्लस बी कॉस फाइव राइट, और बाकी जो टर्म बची वो क्या होगी बी और दिस बी साइन फाइव एंड मल्टीप्लाई टू कॉस ओमेगा टी. ओके ठीक है, लेट्स मेक ए ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन हियर, लेट ए प्लस बी कॉस फाइव, लेट मी राइट इट आर कॉस थीटा. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज आर एंड व्हाट इज कॉस थीटा. हां ओके जस्ट वेट, एंड बी साइन फाइव इक्वल टू आर साइन थीटा. ओके ठीक है, इस पूरे फैक्टर को मैंने आर कॉस थीटा मान लिया और इस पूरे फैक्टर को मैंने आर साइन थीटा मान लिया. ठीक है, इज दैट क्लियर? लेट मी राइट इट एज वन एंड लेट मी राइट इट एज टू. ओके रिमेंबर दीज टू इक्वेशंस. तब साई क्या बनेगा, साई विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी, देन वी हैव आर कॉस थीटा प्लस देन आर साइन थीटा कॉस ओमेगा. ओके तो वी कैन राइट साई एज, वी कैन टेक आर एज कॉमन, सो इट विल बी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा जरा मुझे बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. इट कैन अगेन बी रिटन एज साइन ए प्लस बी. ओके दिस इज द रिजल्टेंट वेव. ओके ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है जो कहां पे हमें ऑब्टेन होगी, इस पॉइंट पे. ओके देखो पहली वेव है उसका एम्पलीट्यूड उसका ये है ए साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव आई उसका है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों सुपर इम्पोज हुए. इस पॉइंट पर जो नेक्स्ट रिजल्टेंट वेव निकलेगी वो होगी आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. देन वी विल से सर ये जो आर है ना ये क्या है, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ये रिजल्टेंट वेव का. नाउ यू नीड टू फाइंड इट. ओके आपको ये पहले तो पता नहीं होगा ना, यू नीड टू फाइंड इट फ्रॉम वायर, यू नो द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, यू नो द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव. ठीक है तो आपको इस आर को निकालना पड़ेगा एंड ये जो थीटा यहां पर है ठीक है, ठीक ये थीटा को भी आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर साई साई वन साई टू ए बी फाइव वगैरह. ठीक है